मेरे चैनल आप लोग का स्वागत है। लेंगे से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बताने वाली थी कि आज मैं करने वाली हूँ अपनी मम्मी के साथ प्रैंक। इसलिए मैं आई हूँ छत पर ताकि उनको थोड़ी सी भनक ना लगे। और यहाँ पर मेरा जो पैट है ना ड्यूक, वो भी इधर बैठा हुआ है। ड्यूक ड्यूक सबको चेहरा दिखाओ, तो चेहरा दिखाओ सबको, चलो चेहरा दिखाओ ड्यूक। गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कारनामे कर रहा है। देखो 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 देखो, गलत बात ड्यूकी, नहीं खाते हैं गंदा चीज। आपको कितना अच्छा अच्छा देती है ना, आपको कितना। ये देख कहाँ गंदगी में, ए नहीं गंदगी में नहीं, इधर आओ। सो गाइस आज हमारे इस पार्ट में ड्यूक भी शामिल रहेगा, है ना ड्यूक, चलो जाओ। प्रैंक में बेसिकली ये होने वाला है कि मेरे पास है दो डुप्लीकेट पेपर, मतलब एक है मेरा असली पेपर जिसमें मेरे पास असली नंबर आए हैं, लेकिन एक है डुप्लीकेट पेपर जो कि मैं खुद बनाऊंगी और उसमें मैं लिखूंगी कि मेरे आए हैं 26 में से, चलो लिख देते हैं 26 या 30, चल 30 ले माले, 30 में से मेरे 8 नंबर आए हैं, चलो मैं यही लिख देती हूँ। गाइस इसलिए मेरे 8 नंबर नहीं आई, मैं सोचे ना कि मैंने खुद बना के ऐसे सच्ची में इसके 8 आए, तो गाइस आप लोग देख लेना कि मेरे आए हैं। तो अभी मैं मम्मी को अपना डुप्लीकेट वाला पेपर दिखाऊंगी। और आज जो लोग सोचते हैं ना मम्मी मुझे फ्रेंडली बिहेव करती हैं, प्यार से बिहेव करती हैं, नहीं वो पढ़ाई के नाम पर ना फिर ऐसे ऐसे करके मतलब बिल्कुल गुस्सा हो जाती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो अभी चलो ये देखो क्या शोर मचा रहा है, ये यही क्या शोर मचा रहे तुम, जो गाइस क्या कर रहा है ये देखो। अभी चाहिए ले लो। फाइनली अभी जो है ना थोड़ी सी शाम हो गई है और अभी बस ना मम्मी आने ही वाली हैं, तो अभी मम्मी से मैंने हाल चाल पूछ के बहुत अभी आ जाए एकदम से, तो उससे पहले मैं जल्दी से इस कैमरे को छुपा देती हूँ। और ना अभी मम्मा ऊपर गई हुई हैं, तो अभी चलो जल्दी से मैं छुपा देती हूँ। अभी मैंने सेट देख ली कहाँ पर अच्छे से सही रहेगा, तो मैं इधर सोच रही हूँ कि इधर सही रहेगा कि नहीं। वैसे इधर सही तो रहेगा लेकिन मम्मी को मैंने ना यहाँ पर जो है ना कैमरा छुपा दिया है, अब बस मुझको डर है कि ना मम्मा बस देख ना ले, तो अभी एक सेकंड। तो यार मैंने फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ऐसा व्लॉग, तो आप लोग बताना यार कि मैंने कैसा करना है, मतलब खुद कोशिश करी है। एंड मेरा जो पप्पी है ना वो भी अभी सो रहा है, और अभी मैं आप लोगों को ना जल्दी दिखाती हूँ मम्मी ना आ जाए। मेरे पास दो पेपर है, एक तो है मेरे पास रियल वाला और गाइस एक है यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा मेरा डुप्लीकेट वाला। तो गाइस अभी और मेरे पास है ये वाला गिफ्ट, जब मम्मी खुश हो जाएंगी तो मैं बाद में मम्मी को ये दूँगी जो मैंने अपना खुद हाथों से ही बनाया है। तो गाइस चलिए अभी जल्दी से इस प्रैंक को स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी मम्मा को भी बता बुलाती हूँ मतलब इधर और पूछता न।
सब जगह जगह खत्म 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 ये क्या है, कितने कम नंबर जो है लाया जाते, हो गया और फिर कह रही हूँ जब मैं जब मोबाइल देख रही हूँ अंदर रील देख रही हूँ है नहीं, गलती वलती कुछ नहीं होती है, कोई कोई गलती वलती नहीं है। अभी जाएंगे तुम्हारे जब जब पीटीए पे सब टीचर देखेंगे अरे आप तो पढ़ाते हैं आपके बच्चे नंबर कम कैसे है, सब ये कहेंगे ना। और हर समय जो तुम्हारा वो होता रहेगा हर फील्ड में तुम्हें आगे निकलना है, किसी भी फील्ड में तुम्हें कम पीछे नहीं रहना है, गॉट इट। हर फील्ड में सुबह स्कूल जाओगे तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा, स्कूल से आकर बैग भी रखता हो तो खाना खाओगे तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा, तो तुम जो इतनी जिंदगी और मोबाइल जो है चेक करो ना पापा को जाएगी कॉपी। मम्मा प्लीज नहीं ना, मैं आगे से अच्छा करूंगी। कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इस बार तो खराब, कोई जरूरत नहीं तुम्हारा, नहीं कहा इस बार से कोई मतलब नहीं होता है, बदनामी में छोटी सी बदनामी जो पूरी जगह उसमें फैल जाती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसा फूक रहे हैं तो कह रहे आठ नंबर लाने के लिए जो कर रहे हैं छप्पन में साहब महारानी आठ नंबर लेके आ रही है, अरे पढ़ो लिखो कुछ बनो जिंदगी में, क्योंकि आवारगर्दी दिखानी है और कुछ नहीं करना, नहीं तो पापा की हाउ बता देना ये तुम देख रहे हो, जो तुम आपने जो मोबाइल क्यों देख रही हो, आगे तुम किताब उठा लेती, मान लो अगर हम घर पर नहीं है कहीं गए हो पढ़ने के लिए तो तुम जो किताब उठा लेती, जब वो नहीं है शर्म की जो हमें किताब उठानी है हमें पढ़ना है हमें लिखना है जरूरी, मम्मी आएंगे तो जो मम्मी किताब खोलेंगे बताओ जरूरी है, ये पैड पा लिया पैड के साथ ही खेलती रहेंगे अपने जो आराम से, जो बताओ हमारे हमेशा नंबर अच्छे आ रहे इस बार नंबर क्यों आ रहे कल पहले किसी है हाथ मांग लगा लिया, कहाँ मांग लगा लिया, सॉरी वाले कुछ नहीं होती है। अभी जाएंगे तुम्हारे जो स्कूल में सब टीचर से ही कहेंगे जो कॉपी मिले पापा को दिखाना है दो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ तो बस जाओ हट जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाऊंगी, सब मेरे पढ़ाए हुए बच्चों नंबर अच्छे अच्छे आते हैं, जाओ यहाँ से, और वो मेरे पास ना आना ना मेरे से बात करना और ना मेरे से पढ़ाई करना, समझ में आ गई तुम्हें, समझ में आ गई प्लीज प्लीज समझ नहीं होता, जब तुम शुरू से नंबर अच्छे ला रही हो तो तुम्हारे इस बार नंबर कैसे है हमें जो कारण चाहिए, सरप्राइज टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारी जो तैयारी देखी जा रही है तुम्हारी तैयारी कितनी है, आठ नंबर लाए थे तो बताओ पहले, तो फिर गलती हो गई, नहीं गलती से जो कोई काम नहीं चलेगा, वहाँ जाएंगे जो सब टीचर जो कहेंगे कि वैसे तो आपका बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, मेडल ला रहा था, जे ला रहा था, बुला रहा था, आपके नंबर जो आए थे नंबर आए, पापा को नहीं देखो कोई जल्दी पापा को दिखाएंगे दो पापा से कैसे जाँच करवाएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हट जाएंगे जाएंगे मम्मा अम्मा करती है, हम जब तुमसे कहते हैं बेटा पढ़ाई पे जब फोकस रहो रखो हमेशा पढ़ाई पे हमेशा फोकस रखो तो पढ़ाई पे जो करो, और जब तुम अच्छा कर रहे हो तुम्हारे इस बार कैसे आठ नंबर आ गए पहले हमें जो बताओ, सब कट्टम 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 जिसे सब लाल लाल जो पेन दिख रहा है कोई जो नहीं है तुम्हारा काम दिख रहा है इसमें, साइन की मिस्टेक तो तुम जो करती थी चलो माना उसमें एक आध नंबर इधर उधर हो गए चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आठ नंबर आ रहे हैं छब्बीस में से मतलब जो सैंड कर जाएंगे तो तुम्हारे इतने नंबर जो कट जाएंगे, बैठ लें बैठ के साथ खेलती रहोगी टीवी देख लेंगी जो रात में, हम कहेंगे बेटा पढ़ो और जब पढ़ाई पे फोकस करो, कम से कम पता है तुम्हें जो स्कूल के बाद कितने घंटे की पढ़ाई करनी, कम से कम चार पाँच घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को, तब बच्चा टॉपर बनता है, ऐसे नहीं बन जाता है तभी तभी बन पाओगे जो लाइफ में, अदरवाइज कुछ नहीं बन पाओगे, रात में ना वीडियो और
ये ऐसे है मतलब स्कूल से आई नंबर कमाया तो ये नहीं कि मतलब कि अलाव मतलब रिवीजन कर लें किलाव देख लें किलाव देख कर लें सोने वो सब फिर कह रही है कि हम क्या मोबाइल देख रहे हैं खाना खाओगे तो मोबाइल होगा स्कूल जाओगे तो मोबाइल होगा अब तो मोबाइल ही देखो फ्रेंड्स से क्या करना है तुम्हें फ्रेंड दिखाएंगे तुम्हें जो ना वो नकल वकल करती तुम्हें उनसे क्या फ्रेंड्स है जी कोई फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता है पहले पढ़ाई करो पढ़ाई सब कुछ है कोई फ्रेंड फ्रेंड तक करनी है समझ में आ रही नहीं आ रही जाओ तुम आज हट जाओ आज और पापा आए ना मुझसे मत कहो प्लीज नहीं बार बार मम्मा पापा को नहीं मैं कह रही तुम जाओ आज गुस्सा मत दिलाओ तो जाओ आज मैच निकालती हूँ मैच मैच करो कितनी मेहनत करते हैं क्या है और बहुत सारे ऐसे जो कि मैंने बना रखे हैं आपके लिए ये देखो कितने सारी थोड़े ना खराब से हो गए हैं कोई नहीं अच्छा है ये बहुत खराब हो गया मैंने बहुत प्यारे मशरूम जैसे बनाए थे एंड गाइस मैं पता है बाहर मम्मी इतना तेज चलाएंगे बाहर तक आवाज आ रही होगी लोग क्या ही सोच रहे होंगे आई नो यू विल नेवर गिव अप फॉर मी अरे क्या कर रहे हो आप मैं आपके लिए कितना मेहनत से बना के लाई एक तो इतनी मेहनत से मैंने मशरूम बनाए हैं अरे वहाँ पैन भी है अरे वहाँ सब है मेरे लिए और क्या अरे तुम आगे बढ़ती रहो बस मेरे लिए यही सरप्राइज है और यही मेरा गिफ्ट भी बताई नहीं क्या ही हो रहा है मुझको
बहुत अच्छा। मम्मी 10 घंटे में खोलने में ही निकाल देगी। मतलब कंपनी ऑफ ग्रेड एजुकेटर्स लाइक यू। बहुत अच्छा। ये लास्ट वाला खोलो। हैप्पी टीचर डे। मम्मा मेरी मम्मी माफी और सबसे बड़ी टीचर थैंक यू। कितनी अच्छी लड़की मेरी मां की। मैंने पढ़ी नहीं पता है मैं मम्मी विश्वास करती हूं तेरे आप पर आ कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी होती है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत टीचर्स की मेहनत बहुत ज्यादा सफल हो रही है। प्राउड क्यों नहीं खुशी होगी यार मेरी मेडल ला रही मुझे कुछ नहीं होगी खुशी तो होगी। एंड गाइस कल मैं मम्मी के लिए कार्ड भी बनाने वाली हूँ। आज बिल्कुल भी बहुत टाइम नहीं मिला फ्रेंड की वजह से इसकी वजह से आज बनाने वाली मम्मी की कार्ड है ना मम्मा। नहीं बेटा बहुत ज्यादा बस मैसेज आप आती रहो आज ही आगे बढ़ती रहो बस यही मिलेगा। बहुत प्यारा सा कार्ड बनाऊंगी आपके लिए। तो गाइस अभी हम लोग विदाई लेते हैं। मैं दिखाती हूँ मेरा डॉगी क्या कर रहा है। मेरा डॉगी क्या कर रहा है ये गाइस मेरा डॉगी सो रहा है। मम्मा मैं तो हमारा डॉगी सो रहा है ना। तो गाइस हमारा डॉगी तो सो रहा है। छोटी छोटी बुक्की लाई हुई मम्मा मेरे मम्मा दी है। तो हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू। और गाइस केवल टीचर से जो हम लोग को सिखाते हैं अगर छोटा बच्चा भी अगर आपको सिखाता है तो वो भी आपका टीचर है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मतलब जो टीचर्स होते हैं ना सच बता रहे हैं कि बिना जो ग्रुप के हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो ग्रुप का होना हम लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तो हमें ग्रुप का हमें सम्मान करना चाहिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज कल बच्चे मोटे जगह कर देते हैं। तो हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।